हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सब अच्छे होंगे। और ये वीडियो जो है ये कुछ इन्फॉर्म करने की वीडियो है। मैं कुछ आपको बताना चाहती हूँ जो कि बहुत पुरानी बात नहीं है, मतलब कुछ महीने पहले की बात है। और ये मैं काफ़ी हिम्मत करके आपको ये वीडियो बना रही थी। पहले तो मैंने सोचा कि मैं नहीं बनाऊँगी, फिर मैंने सोचा कि नहीं मैं बनाती हूँ, क्योंकि इस वीडियो को देख के अगर किसी को भी कोई हेल्प मिलती है तो वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है ना, कि मैं कर पाई हूँ। क्योंकि हर किसी को ये प्रॉब्लम होती है जब वो अपनी न्यू स्टार्ट करता है या फिर अपने घर को बनाता है या देखता है, तो उसके लिए ज़रूरी होता है। क्योंकि हमें तो नहीं पता था बट आपके साथ क्या क्या जीडिंग हो सकती है, कैसे हो सकता है, वो सब होता है ऐसे। तो मैं काफ़ी सोच, मतलब मैंने कहा कि नहीं, मैं ये वीडियो को मैंने क्योंकि मैंने शूट तो उस टाइम ही कर लिया था बट मैंने डाला नहीं था, पर मैं इस समय मैं डालती हूँ और मैं बताती हूँ कि क्या हुआ था। क्योंकि हमने जब घर अपना, क्योंकि हमारा घर ये बहुत नहीं है पुराना, एक मतलब कुछ टाइम पहले ही हमने सारा इंटीरियर कराया था, तो उसके बारे में मैं बताती हूँ, दिखाती हूँ कि क्या हुआ था। फिर चलिए मैं दिखाती हूँ आपको। और ये देखिए, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे घर में कोई फंक्शन था, तो उस टाइम रात को जैसे ही सब लोग जाने वाले थे, उस टाइम पे जो हम यहाँ पे खड़े थे, यहीं पे सेम इसी जगह पे जब हम खड़े थे, तो ऐसा लगा कि भूकंप आया है। और ये सब मतलब आज क्यों खाएगा। और इतना पैनिक सिचुएशन हो गई थी कि पूछिए मत कि कितने ज़्यादा हो गई थी। ये देखिए, टाइल्स अपने आप ही मूव ऐसे शेक कर रहे थे कि जैसे पता नहीं क्या हो गया हो। हम लोग फटाफट बाहर गए थे, फिर बाहर पता चला कि नहीं, अर्थक्वेक तो नहीं आया है, फिर ऐसा क्यों, हमारे घर में ही वाइब्रेशन क्यों हो रही थी। फिर आके देखा तो फिर ये कि टाइल ऊपर आ गई थी। फिर हमने क्या किया कि नेक्स्ट डे जब हमने बुलाया, देखिए फिर वो उन भैया ने कहा कि ये टाइल्स पूरी निकल चुकी हैं। तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, ये बिल्कुल एक साल पुराने टाइल्स हैं जो हमने सिर्फ लगवाई थी, है ना। और इतना मतलब सारा काम करवाया था हमने कि हमें ये शायद दोबारा, क्योंकि शिफ्ट होने के बाद ना आप टाइल्स का काम बहुत ही मुश्किल हो जाता है, और वो भी बच्चों वाले घर में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं कराने में। बट वो ये सारी प्रॉब्लम्स हमारे को एक साल के बाद ही फिर से आनी शुरू हो गई। ये देखिए कैसे अपने आप, मतलब ये टाइल्स और इतनी कंपनी की टाइल्स, और ये इतना बड़ा नुकसान था ये हमारा कि हम, मतलब हमारे सामने ऐसी सिचुएशन आई थी कि हम कुछ सोच ही नहीं पा रहे थे। ये देखिए कैसे अपने आप ही ऊपर हो गई है, वो चिपकी हुई नहीं है फ्लोर से टाइल्स। और हमारे पास मतलब कि हमें देख के सोचिए कि किसी का अगर नया घर है और उसके साथ होगा ऐसे। देखिए ये किनारे किनारे पे उन्होंने सही से फिक्स नहीं किया था, जिस वजह से ये गैप एयर पास हुई और वो एयर कहते हैं कि गैस बन के, और फिर वो ऊपर सारी टाइल्स आ गई थी, उनको एयर मिली अंदर और इसलिए वो आ गई थी। हमने क्या किया था कि हमारे पास जो पुराने टाइल्स थी, तो हमें इतना वो नहीं था कि पता कि कैसे कराना है। उन्होंने कहा कि नहीं, हम कर देंगे उस टाइल के ऊपर केमिकल यूज़ करके और वो फिक्स कर देंगे अच्छे से। तो हमने करा लिया, हमें उन्होंने श्योरिटी दी कि हम सही से हम केमिकल के साथ ही यूज़ करेंगे और बिना वो टाइल्स निकाले भी और वो अच्छे से फिक्स कर दें। बट वैसा कुछ नहीं हुआ गाइस, वो कुछ टाइम पहले भी हिल रहा था, उन्होंने आके फिक्स कर दिया था, बट उसके बाद जो हुआ तो समझिए कि पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई, जैसे कहते हैं ना, वो रियल में ही हमारे पैरों तले ज़मीन खिसक गई थी कि पूरे घर का क्या हो। यानी कि हमने पूरे घर में नई टाइल्स लगवाई थी और सारे काम, मतलब हर एक कोना कोना हमने काम करवाया था, उसके बाद ये चीज़ हुई थी। फिर हमने ये दूसरी टाइल लगवाई, है ना, उस वैसे करके फिर सारा निकाला। आपका घर आपके सामने टूटता है तो आपको पता है कैसा लगता है कि कितनी मेहनत से आपने वो काम करवाया था, फिर ये ना चाहते हुए भी आपको इतना सारा ये खर्चा और ये परेशानी जो होती है, और वो भी छोटे बच्चों के साथ, तो कैसे। फिर हमने ये लगवाया, फिर हमने पूरा घर गंदा था, फिर हमने ये साफ़ सफाई की, और अगेन जो कि
ये साफ सफाई, फिर हमने एक एक कोना कित, वो हफ्ता या 15 दिन हमारा ऐसा गया कि मैं आपको बता नहीं सकती कि बिल्कुल भी बिल्कुल टाइम नहीं रहता था कि कैसे वो सारी चीज़ें देखी, कैसे एक एक सामान बिखरा हुआ है। फिर हमने कुछ हाइक से सफाई करवाई और एक एक चीज़ वो कर सब ठीक कराई। उसके बाद कुछ दिन के बाद फिर से जो किचन की टाइल रह गई थी वो भी शेक करने लग गई थी, तो फिर हमें उसकी भी रिपेयरिंग करानी पड़ी, उसको भी करके और उसका भी मतलब अच्छे से क्लीन कराना पड़ा था। तो अब ये देखिए क्लीनिंग के बाद, ये सारा काम टाइल्स लगने के बाद, क्लीनिंग के बाद, ये था हमारा लुक जिसमें हमने हफ्ते दिन 10 दिन कम से कम लगाए थे इसको ठीक करने के लिए। तो अगेन क्या था कि ये हॉल का तो हमने चेंज करा लिया था, तो इसके साथ हमने किचन का नहीं कराया था, बट किचन कुछ दिनों के बाद फिर से वही प्रॉब्लम किचन में आने लग गई थी। तो हमें अगेन किचन में भी ये देखिए फिलिंग करनी पड़ी क्योंकि टाइल्स हिलने लगी। तो गाइस आप भी अगर ऐसे टाइल हिल रही हैं तो आप वाइट सीमेंट लीजिए, उसको घोलिए और इसके अंदर डाल दीजिए, जिससे आपका बड़ा नुकसान होने से बच सकता है। अगर बड़ा नुकसान हमारे जैसा होगा तो ऑब्वियसली वो टाइल चेंज, तो आप केमिकल प्लीज़ प्लीज़ केमिकल यूज़ मत कीजिए, वो सक्सेसफुल नहीं होता है। और आप सीधे से सीमेंट और उसके साथ ही लगवाइए टाइल्स को, और अच्छे से किसी ऐरे गहरे नथू खैरे से प्लीज़ ना लगवाएं, ठीक है, किसी अच्छे एक्सपर्ट से ही लगवाएं, स्पेशली टाइल्स का जो काम होता है ना वो, क्योंकि वुडन वर्क और बाकी सारे इंटीरियर्स तो अगर ख़राब हो रहा है ना तो वो बाद में भी हो सकता है थोड़ा बहुत, तो उसमें कोई प्रॉब्लम, बट ये टाइल्स की चीज़ें रहते हुए अगर ख़राब किसी ने कर दी ना तो इतनी प्रॉब्लम मैं बता सकती हूँ ना कि कितनी। ये देखिए मेरे हस्बैंड को भी लगना पड़ा, क्योंकि जब अपने घर पे जब ये चीज़ होती है ना तो बहुत दुख होता है कि ऐसे हुआ है। तो इसीलिए मैं आपको ये वीडियो तभी मैं शेयर कर रही थी कि शायद आपको हमने जो गलती करी है प्लीज़ आप वो गलती ना करें, ठीक है। अच्छे किसी पहले तो किसी अच्छे को हायर करें, दूसरा अगर छोटी सी प्रॉब्लम आ रही है तो आप ऐसे फिलिंग कर दें, तीसरा किसी भी उसको की बड़ी अगर गलती है तो केमिकल वाला ना यूज़ करें हैं, और आप सीधे से ही लगाएं। होप गाइस आपको ये वीडियो सही लगा हो। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो।